गेम हो जाए गेम होता है ये देखा समझ में निकल जाना है ना गेम होता है देख ले अब हम नमस्कार तपाईको ग्राउन्ड जिरो यति बेला रौतहटको राइस मिलको मैदानमा छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा विवाद भएको छ। उहाँहरू खेलाडीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले खेलिरहेको हामीले प्र्याक्टिस गर्दै थियौँ र यहाँको क्रिकेट सङ्घको अध्यक्ष पवन कुमार शाहले आएर हामीलाई डिस्टर्ब पनि गर्यो र हाम्रो विकेट पनि तोडिदियो। कमुख खेल्ने भएको करङ डिस्टर्ब कल थिएन न त त्यो आए थियो बाइक लिएर अन्त त्यो इम्पायरको त खुट्टा उठाएर भाँचिहाल्थ्यो। अपने भाषा में बोला मतलब कथी गलत पूरा बोला आरु भेला के कथी होता सट के इम्पायर ना खटल रहा लगा ठीक बा अगर इम्पायर खटल रहा रही ना सट के तो इम्पायर के गोरा टूट जाए काय भेला को ना काय भेला की कथी होती ना सीते साई कथी भेला ये अंडर 19 ये सिलेक्शन की मोहित रह लिया अन्य चार पांच दिन की भाई रहती हो अन्य मतलब ती हम भी नहीं आ रहे खेलते यहाँ नहीं सङ्घको यो पवन साजीले आएर भन्नुभयो सिधै फोन गर्नुभयो कि गेमहरू भइरहेछ चार पाँच दिन गेम नखेल्दै मैले पनि ठिक छ चार पाँच दिन हामी खेल्दिनँ हामी आएँ यहाँनिर तर केटाले पिचमै विकेट ठोकिरहेको मैले पिचमा नखेल साइडमा खेल्यो तिन चार दिन हामीले साइडमा खेल्यौँ तर त्यो तिन चार दिनमा के हेऱ्यो भनेपछि कोही काम गर्ने यो पिच बढाल्ने पनि आउँदैन कोही पिच मेन्टेन गर्ने पनि मान्छे छैन चार चक्का छैन यत्रो ठुलो गेम भइरहेछ त छैन कोही पनि छैन यहाँनिर म झुटो पनि विकेट कहाँ भयो ल्याउ त त्यसैमै यहाँ मध्य प्रदेशको सेलेक्सन भइरहेछ। मध्य प्रदेशको सेलेक्सन क्रिकेट म्याच हुनुभन्दा अगाडि उहाँले यहाँको स्थानीय युवाहरू प्र्याक्टिस गर्दै थियो उहाँलाई आएर गाडीले बाइकले यसो विकेटको हाल गरिदिएछ। यदि क्रिकेट सङ्घ वास्तवमा हेर्नुहुने कस्तो निष्पक्ष तपाईँ पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। क्रिकेट सङ्घमा पनि परिवारवर्गको राजनीति छ। क्रिकेट सङ्घमा नै पुरै रौतहट जिल्लाको हुनुपर्ने रौतहट क्रिकेट सङ्घको नाम छ तर गोरको मान्छेहरू मात्रै छ। यो पनि एउटा सोच्नुपर्ने विषय छ परिवारवाद छ। तपाईँ हेर्नु भने वर्ल्ड कप भइरहेछ। वर्ल्ड कपमा पनि यस्तो म्याच थिएन पहिलामा पुरा हेर्छ वर्ल्ड कप भइरहेछ अस्ट्रेलियामा भइरहेछ त्यहाँ पनि यस्तो म्याच छैन तर यहाँ कस्तो व्यवस्थापन छ म्याचमा यसमै बोलिङ गरेर यसमै खेलाडीहरूको सेलेक्सन भइरहेछ कस्तो व्यवस्थित छ। जहाँको हाम्रो यहाँको मेम्बर अफ यहाँको क्रिकेट सङ्घको सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार सर। बच्चा सबै कति विवाद बच्चा सबै विवाद कहेको मतलब कति है कि हामीले दुगो म्याच है भाइको मेहनत हो अपने नाम बताउ पहिले प्रमोद नाम प्रमोद हम सचिव बोलै छी बुझलि क्रिकेट सङ्घको सचिव ई बच्चा सबके तीन चार दिन पहले भी कॉल गेले कि पर न खेल जी जी ठीक है खेल ले, लेकिन आज दुगो मैच है जी जी तो काले शहर सफाई कर करके एकरा सवेरे किच रेडी करके क्यूरेटर आले बाहर से ओकरा भेज देवे की मत्सरी अच्छा तो एला लइका सब खेलते रहले है लेकिन कहल गेले है ना अपने रही नहीं बताऊं हमरा ये होते अपने रही होलो जे आप ई घटना बेला इधर ना प्रति गाड़ी आले बोलो रही अपने रहला हो हां तो रहला के बाद भी उनी कहले जानू कि चार खेल छोड़ दे तो न चार ओवर रह पाँच ओवर बाकी छः ओवर बाकी कह करके सब खेलते रह गए तो उ कम्प्लेन चल गई अध्यक्ष लन तो अध्यक्ष जी अलै है उनका कहले है गाड़ी उड़ी दिले है दिल न दिले है अब भाई सब कहते हैं लेकिन हमरा गाड़ी माधर चौद विकेट ले सीतेश दास नाम अध्यक्ष का नाम कौन साजी बोलो ओकरा बाद भाई सबके समझा बुझा के भेज दिली फिर विकेट ना गया बिरो ना पता सर कहीं भी ना ये बदी ये भी खिलाड़ी ये भी खिलाड़ी खिलाड़ी का सम्मान न करी थे देखो अगर ये विकेट के तोड़ दे यहां बुझ सके का अगर कोई आदमी रहती आदमी मर जाती ना ऐसे ना मतलब जैसे गाड़ी वाला है ना गाड़ी चल रही है पता विकेट के तोड़ हाले देखो गाड़ी से गाड़ी अगर विकेट तोड़े मतलब अपनी खेल के सम्मान करी चाहिए सुन जब खेल के सम्मान करता खेल के डिवाइस के अपन तोड़ सके ना प्लास्टिक बिछा के रोड बिछा के यहाँ ठुलो फलाम करोड लगाइएको छ मान्छे खेलाडी यदि खेल घायल भएन कसको जिम्मेवारी जी जी हम खेल्दै फलाम करोड फलाम करोड डुबार फलाम करोड मेट लगाउला मेट लगाउला वर्ल्ड कप में मत लगा लगी तो देख लिया अपने लगी मैं सुना ना लगा लगा पड़ा पूरे दुनिया के देश खेल रहा है कहाँ बार अभी तू देख खेल देख ले ना कौन सी लगा वाले तो पर भी खेले मैट ये बना लेके आया ये बना लेके मैट वो पीछे वाले वाले पीछे वाले मैट बना वाले मारे ये वो खेले अच्छा ये बताओ ये वो ले क्या है बीमार बारिश वाला
जय नेपाल।